हेलो फ्रेंड, डिफेंस एंड स्पेस रिसर्च रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। चलिए जान लेते हैं आज की खबर। पहली जो खबर निकल के आ रहा है वो है S-400 मिसाइल को लेकर। ये मिसाइल मेनली रशिया का है और रशिया ये मिसाइल को भारत को बेचना चाहता है, भारत भी खरीदना भी चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि रशिया के ऊपर US ने एक सेंक्शन लगाया हुआ था। इस सेंक्शन का नाम है CATSA। इस सेंक्शन के जरिए कोई भी कंट्री रशिया से कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट नहीं खरीद सकता है। भारत ने साफ साफ बोल दिया US को कि हम ये ऑर्डर नहीं फॉलो करेंगे क्योंकि ये कोई UN का ऑर्डर नहीं है। इसी हालत के बाद इंडिया का जो एनिमीज कंट्री है वो सोच रहा था कि इसी घटना के ऊपर इंडिया का और US का जो रिलेशन है वो खराब होते जाएगा और उन लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। US गवर्नमेंट ने आपस में बात किया और डिसाइड किया कि इंडिया अभी रशिया से कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट खरीद सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये भी बोला गया कि इंडिया के साथ इंडोनेशिया और वियतनाम भी रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद सकता है। तो अब इंडिया में S-400 आने में कोई दिक्कत नहीं रहा, तो हम सोच सकते हैं कि इसी कॉन्ट्रैक्ट जल्दी ही साइन होने वाला है इंडिया और रशिया के अंदर। इन टाइम ये डिलीवरी हो जाएगा। ये जो S-400 मिसाइल है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसके जरिए कोई भी एयरक्राफ्ट और कोई भी मिसाइल को हम हवा में ही मार सकते हैं। नेक्स्ट जो खबर सामने निकल के आ रहा है वो है कॉमकासा को लेकर। कॉमकासा एक एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट का फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इसी कॉमकासा के जरिए हम लोगों को एक कम्युनिकेशन हाई टेक्नोलॉजी मिल सकता है, लेकिन इसके ऊपर विचार करना होगा। इसी टेक्नोलॉजी के जरिए US से जो डिफेंस इक्विपमेंट आता है उसका जो फुल कैपेबिलिटी है हम यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ नहीं करेंगे तो जो US इक्विपमेंट आता है डिफेंस के लिए उसका जो फुल कैपेबिलिटी है हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है, हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो फिर हम लोगों का जो आर्मी मूवमेंट होगा वो US गवर्नमेंट तक पहुँच जाएगा, तो ये खबर लीक होने के बहुत चांसेस है और हम लोग का जो मूवमेंट है वो पाकिस्तान तक पहुंच सकता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना होगा, तो इसके बाद ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। इंडियन आर्मी ने इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को बोल दिया कि इसमें खतरा हो सकता है, साइन करने के पहले विचार करके तभी साइन कीजिएगा। इसके बाद जो खबर आया वो है कि चाइना फिर से श्रीलंका को एक फ्रिगेट गिफ्ट में देगा। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। देखिए ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है गिफ्ट देने का ये पूरा क्लियर हो चुका है, क्योंकि श्रीलंका को यूज़ करके वो इंडिया को दबाव में रखना चाहता है, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है और आगे आने दिन में भी इंडिया बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला है। तो चाइना इससे डर के ये सब काम कर रहा है। चाइना ने ऑलरेडी श्रीलंका का जो बंदर है उसका जो पोर्ट है वो यूज़ कर रहा है और वो चाहता है कि और कुछ पोर्ट श्रीलंका के तरफ से चाइना को मिल जाएगा, तो इंडिया को घेरने में बहुत ज़्यादा सुविधाएँ होगा, तो इसलिए श्रीलंका को ये सारा गिफ्ट मिल रहा है। इंडियन डिफेंस के लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़ है कि नाइजीरिया ने जो नाइजीरिया का जो नेवी है तो उन्होंने गोवा शिपयार्ड का एक शिप, वो शिप है टैंक लैंडिंग शिप, तो उसको खरीदने का विचार बनाया, तो वो उसको वो खरीदेगा। तो इसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, थोड़ा कुछ पैसा भी इंडिया डिफेंस के जरिए कमा लेगा। अतीत में इंडिया सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदता था, लेकिन अभी जो हो रहा है कि बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया एक्सपोर्ट भी कर रहा है, तो इसलिए डिफेंस के लिए इंडियन कंट्री के लिए बहुत अच्छा साइन है। तो आगे आने दिन में ये ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, यही हम लोगों का आशा है। आज के लिए इतना ही। आगे अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।